पीटीआई की कामयाबी के बाद पंजाब भर में फिर तब्दीली की लहर। पीटीआई ने वजारत आला के लिए मतलूबा 186 नशिस्तों का हदफ हासिल कर लिया। तहरीक इंसाफ 178 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर आ गए। नून लीग 167, काफ लीग 10, पीपल्स पार्टी 7 और आजाद अरकान की तादाद 6 हो गई। राह हक पार्टी का एक रुकन भी असम्बली का हिस्सा। हमजा शहबाज की रुखसती यकीनी, परवेज इलाही कुर्सी संभालने के लिए तैयार। पंजाब में नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का मामला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम मुशावरती इजलास। हमजा शहबाज, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अहम पार्टी रहनुमा शरीक। पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के बाद जोड़ तोड़। पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई तक जारी रखने का फैसला। मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन होते ही असम्बली में हल्फ होगा। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली का 40वां इजलास दोबारा होगा। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ज़िमनी इंतखाब के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत। ज़िमनी इलेक्शन लाहौर के शेर लाहौर में ही डेर। लाहौर के 4 में से 3 सीटें तहरीक इंसाफ के नाम। नून लीग के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास, अकरम उस्मान और शबीर कुचर कामयाब। नज़ीर चौहान, मोहम्मद नवासवान और रैना एहसन शराफत हार के। सरकारी नतीजे लाहौर न्यूज़ को मौसूल। पीपी 158 से तहरीक इंसाफ के मियां अकरम उस्मान 37,463 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार राना एहसन शराफत 31,906 वोट ले सके। पीपी 167 से शबीर अहमद गुज्जर 40,511 वोट लेकर फाथे करार। नसीर चौहान 26,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 170 से मलिक सहीर अब्बास 24,688 वोट लेकर कामयाब करार। नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अमीन जुल्करनैन 17,519 वोट हासिल कर सके। मलिक असद होकर 26,169 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नवाज सवान 15,767 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आरओ ने फॉर्म 47 के तहत नतीजे जारी कर दिए। मरियम नवाज ने पार्टी के लिए बेहतरीन मुहिम चलाई। पुरअमन इलेक्शन के नकाद पर हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और वर्कर्स का मशकूक हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। विफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हैसियत बाकी नहीं रही। पीटीआई की जीत नून लीग के खिलाफ अदम एतमाद है। हमजा शहबाज, इस्तीफा नहीं भी देते तो फैसला अब हो जाएगा। वज़ीर आला का अब इखलाकी तौर पर जवाब बाकी नहीं रहा। राजा बिशारत की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के नतायज को तस्लीम करती हैं। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाने का फैसला किया। नवाज शरीफ ने कौम में एक तहरीक पैदा की। नवाज शरीफ ने लोगों को बताया मुल्क की तबाही में कौन कौन से फैसले हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में सियासी सूरतहाल तेजी से बदलने लगी। इदारों की बजट मंजूरी तरक्याती मंसूबों जैसे अहम अमूर रोक दिए गए। ब्यूरोक्रेसी ने नई बनने वाली पंजाब हुकूमत की जानिब नजर जमा ली। एल टी वासा और टिपा की माली साल 2022 से इसका बजट पेश नहीं हो सका। बजट पेश और मंजूर ना होने की वजह से अथॉरिटीज के अमूर शदीद मुतासर। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन खत्म। तशहीरी मुहिम जारी। शहर की सड़कों पर बैनर्स और स्टीमर्स की भरमार। बैनर्स की भरमार से शहर का हुसन बांध पड़ गया। बैनर्स उतारने वाली इंतजामिया नई और पुरानी सरकार के हुक्म की मुंतजर। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुहिम खत्म। ज़िमनी इलेक्शन के बाद रोड शेडिंग का जिन फिर बाहर आ गया। शहर के मुख्य इलाकों में 3 से 4 घंटे की ऐलानिया और गैर ऐलानिया रोड शेडिंग जारी। लेस्को को 100 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शेख रशीद ने डी जी एंटी करप्शन पंजाब अब्दुल जबार के तैनाती हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और राणा स्टाला समेत दीगर को फरीक बनाया गया। डी जी एंटी करप्शन की तैनाती के खिलाफ कानून है। 20वें ग्रेड के अफसर को डी जी एंटी करप्शन नहीं लगाया जा सकता। शेख रशीद का मौके।
यंग डॉक्टर्स के ग्रुप के इलेक्शन करवाने पर फट्टा। मियो अस्पताल में यंग डॉक्टर्स गुत्तम गुत्ता हो गए। लड़ाई झगड़े का वाकया कैंटीन के बाहर पेश आया। यंग डॉक्टर्स की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। MS मियो अस्पताल कहते हैं यंग डॉक्टर्स की लड़ाई से इलाज मुआवजा मुतासर नहीं हुआ। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर के कदर में 4.05 रुपये इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर रेट 215 रुपये का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स के वही पुराने मसाइल। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें नायाब। शहरी सरगर्मी में कतारों में लगकर खरीदारी करने पर मजबूर। महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ मिलने लगा। दर्शे अवल का घी और ऑयल की कीमतों में कमी। दर्शे अवल का घी 30 रुपये फी किलो सस्ता। कीमत 530 रुपये हो गई। घी और ऑयल का 5 किलो का पैक 2800 से कम होकर 2650 रुपये का हो गया। सिविल जज के घर छापा मारने और हरासा करने का मामला अदालती हुकुम पर। डायरेक्टर FIA हाई कोर्ट में पेश। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने दरख्वास्त के तर्क के वकील को जवाब का जायजा लेने की मोहलत दे दी। PIE के खिलाफ 5,01,60,000 रुपये का दावा दायर। PIE इंतजामिया को नोटिस जारी। सारी अदालत ने 29 अगस्त को तलब कर लिया। शारजा से लाहौर के लिए PIE की टिकट बुक करवाई। PIE ने बगैर बताए लाहौर के बजाय इस्लामाबाद पहुंचा दिया। दरख्वास्त गुजार का मौके। साबिक CTO लाहौर रायचास समेत दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ करप्शन के। साबिक DPO गुजरात राय समीर और दीगर मुलजिमान एहतसाब अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ट्रेन शेड्यूल तहाल मामूल पर ना आया। लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन 8 घंटे लेट। पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन 7 घंटे 40 मिनट ताखिर का शिकार हो गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस में ट्रैफिक पुलिस ने चलान में 50 करने वाली गाड़ी पकड़ ली। 50 बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गाड़ी थाने में बंद। ड्राइवर को 24,000 रुपये जुर्माना आयद। कागजात भी कब्जे में ले लिए गए। गर्म और हबसदा मौसम ने फिर लाहौर में डेरे डाल दिए। कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने बुध से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी।